देख क्या कहना चाहेंगे, कैसी लगी आपको फिल्म? नाम क्यों रखा है कुत्ते समझ में नहीं आ रहा है, और अर्जुन कपूर सब भाई सभी आर्टिस्ट की एक्टिंग एकदम बकवास है, एकदम घटिया फिल्म हमने बहुत दिन के बाद देखी है। स्टोरी में दम नहीं है, कुछ डायरेक्शन में दम नहीं है, सिर्फ गालियाँ है और बस यही है, गालियाँ है और कुछ नहीं है पिक्चर में, कुछ गोली चलती है बस, कुछ स्टोरी कुछ भी नहीं है, लोगों का पैसा वेस्ट है, एकदम बोरिंग पिक्चर है। जैसे कि फिल्म में एक्शन सीन का भी जिक्र, एक्शन है लेकिन ऐसा कोई एक्शन नहीं, खाली खाली गोलियाँ चलती है, फैमिली रिवेंज बताया हुआ है लेकिन कुछ मीनिंगलेस एकदम, मेरा कहना मतलब है जैसे शोले पिक्चर थी उसमें कुछ दम था पिक्चर में, ऐसी पिक्चर थी लेकिन कोई अच्छी पिक्चर थी, एक्शन थी वो भी, वो कहाँ और ये कहाँ, ऐसा पैसा वेस्ट है। और आर्टिस्ट से भी काम ले जो लिया है डायरेक्टर ने एकदम बराबर नहीं लिया है, चलेगी नहीं पिक्चर, एक वीक में उड़ जाएगी। जैसे कि फिल्म में और भी एक्टर्स हैं, हाँ, तो क्या अर्जुन कपूर के अलावा और भी किसी एक्ट्रेस की एक्टिंग में दम अगर आपको दिखा हो? ऐसा तो नासिरुद्दीन साहब बहुत अच्छा एक्टर है लेकिन उसका काम ही नहीं है, बिल्कुल काम नहीं है, ऐसा थोड़ा सा गेस्ट अपीयरेंस है तो इतना अच्छा एक्टर है, उससे काम दिया नहीं गया उससे। और बाद में जो हीरोइन है रश्मिका, नई हीरोइन, उसका भी कुछ खास काम नहीं है उसमें। जी, अर्जुन कपूर की बात करें तो उनसे काफ़ी उम्मीद की जा रही थी फिल्म को लेकर, तो आप फिल्म देखकर आ रहे तो आपकी उम्मीद पे कितना पानी फिरा है, या फिर आप क्या कहना चाहेंगे? अर्जुन कपूर की जो मैंने दूसरी फिल्म देखी थी और रणवीर कपूर के साथ में, रणवीर सिंह के साथ में, वो बहुत अच्छी थी, उसके हिसाब से ये कुछ भी नहीं है, उसकी एक्टिंग इसमें कुछ भी नहीं है। रेटिंग की बात करेंगे, अगर 10 में से आपको रेटिंग देना पड़े फिल्म को तो आप कितना देंगे? 2 दूंगा। थैंक यू सो मच। की फिल्म देखकर आ रहे हैं आप, कुत्ते क्या कहना चाहेंगे? फिल्म बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग थी, जितना मैं एक्सपेक्ट कर आया था कि विशाल भारद्वाज और रेखा जी के पुत्र हैं आसमान भारद्वाज, उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर आया था। ट्रेलर मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था, पर जितना हाइप मैंने अपने आप के लिए क्रिएट किया था इस फिल्म को देखने के लिए अपने मन में, बट उतनी ही डिसअपॉइंटिंग लगी। जैसे कि जिक्र किया गया था कि इस फिल्म में अर्जुन कपूर एक्शन करते हुए नजर आएंगे, तो एक्शन की बात करेंगे तो कितना एक्शन आपको देखने मिला है? एक्शन पूरी फिल्म में भरा हुआ है, और ना केवल अर्जुन कपूर बट इवन तब्बू, कुमुद मिश्रा जी, आपकी कोंकणा सेन शर्मा और राधिका मदान, जितने कैरेक्टर्स हैं सबने ही एक्शन किया है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि अर्जुन कपूर का एक्शन कुछ अलग है या आउट ऑफ द वर्ल्ड है, सबका अपना एक जो टिपिकल देसी एनकाउंटर पुलिस वाला जो एक्शन होता है वो है, काफ़ी एवरेज है। बात करेंगे तब्बू जी का, तो वो एक मंझी हुई एक्टर है, एक्ट्रेस है, जिन्होंने अपनी कलाकारी से सभी का दिल जीता है, तो इस फिल्म में उनकी एक्टिंग के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इस फिल्म में ना केवल तब्बू जी बट एक्टर्स जितने भी हैं सब काफ़ी अच्छे हैं अपने अपने तौर पर, बट इस फिल्म में जिस टाइप से उन एक्टर्स से काम करवाया गया है वो बहुत वीक है। तब्बू जो है इतनी शानदार अभिनेता है, बट यहाँ पे जो उनका कैरेक्टराइजेशन है, जो उनकी डायलॉग डिलीवरी है, जो उनका ओवरऑल एक जो कहते हैं भाव है, वो बहुत वीक है, बहुत फेक लगता है, बिल्कुल ओरिजिनल नहीं लगता, और जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि तब्बू को देखने में मज़ा आएगा वो बिल्कुल भी वैसा नहीं रहा, बहुत ज़्यादा वीक है। फिल्म देखने के बाद आपको क्या लगता है ये फिल्म स्क्रीन पर कितने दिन सिनेमा हॉल में टिकने वाली है? आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते चलेगी, और शायद से पहले हफ्ते के बाद स्क्रीन आधी हो जाएंगी। फिल्म में गाने भी काफ़ी हैं, तो उनमें से कोई गाना अगर आपको पसंद आया हो? कोई गाना ऐसा नहीं है जिसे हम घर जाकर वापस से सुनना चाहेंगे, सब गाने जो हैं उनमें एक जो विशाल भारद्वाज जी की जो छाप है उनकी फिल्मों की, आप उसे कमीने कह लीजिए या तो आप उसे उनकी जो बाकी की जो ओमकारा वाली जो फिल्में हैं उसमें जिस टाइप से बिल्कुल एक सटल तरीके से जो गाने आते हैं वैसे उनकी जो छाप दिखती है, पर इस फिल्म के गाने इतने वीक हैं कि कोई गाना आपको याद नहीं रहता है, और जो सीन्स भी हैं आपको उस फिल्म ऐसा पता चलता है कि ये आसमान भारद्वाज जी ने अपने ही फादर की फिल्मों से इंस्पायर होकर एक फिल्म बना दी है, मतलब एक एक जो शॉट्स हैं जिस टाइप से, मतलब एक्शन सीक्वेंसेस में स्लो मोशन के पीछे गाने चल रहे हैं, एक गाना आ जाता है, मालूम पड़ता है कि विशाल भारद्वाज जी से काफ़ी इंस्पायर्ड हैं आसमान भारद्वाज, बट उतना इम्पैक्टफुल नहीं है, बहुत ज़्यादा वीक है पूरी फिल्म। जी, अगर आपको रेटिंग देने को कहा जाए तो आप 5 में से कितना देंगे? 2 स्टार्स। थैंक यू। अर्जुन कपूर की फिल्म देखकर आ रहे हैं आप, कुत्ते कैसी लगी आपको मैम? फिल्म तो मुझे अच्छी लगी अगर सच कहे तो, या स्टोरी भी अच्छी थी। पहला हाफ जो फर्स्ट हाफ था वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा सा धीमा लगा,
लेकिन सेकंड हाफ में या इट वाज गुड, रियली गुड। फिल्म में तब्बू जी का भी काफ़ी दमदार अंदाज देखने को मिल रहा है, ऐसी खबरें हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप तब्बू जी के? जी जी बिल्कुल, एक्शन मोड में दिखी तब्बू जी और थोड़ा अलग देखने को मिला इस फिल्म में, मतलब पुलिस ऑफिसर कॉप का रोल उन्होंने प्ले किया है, तो या इट वाज गुड यार। ओके, और अर्जुन कपूर की एक्टिंग की बात अगर की जाए तो अर्जुन कपूर की एक्टिंग के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? अर्जुन कपूर जी अच्छी थी और ज़्यादा अच्छी हो सकती थी, बस इतना ही कहूँगा जी। फिल्म में जैसे कि खबरें हैं कि फिल्म में काफ़ी गाली गलौज भी है, तो फिल्म से बच्चों पर क्या असर पड़ेगा इसका? मुझे लगता है कि बिल्कुल वो सर्टिफिकेट भी होगा जो होना चाहिए फिल्म को, तो बस वो अवॉइड कर सकते हैं, जो अंडर एज है उन्होंने नहीं देखनी चाहिए। गाली गलौज थी उसमें, हाँ कहीं कहीं पे ज़रूरत थी तो वहाँ पे थी, लेकिन कहीं कहीं पे ज़रूरत नहीं थी वहाँ पे भी थी, तो बट मुझे तो अच्छा लगा, ठीक थी मतलब। और बात करेंगे, हर फिल्म से किसी ना किसी को कुछ सीख मिलती है, तो इस फिल्म में ऐसा क्या है जो किसी को, मतलब यंगस्टर्स को या सीनियर सिटीजन को कुछ सीखने मिलेगा? सीख तो मैं तो सभी एज ग्रुप के लिए कहूँगा कि लालच बुरी बला है, तो बस मुझे तो यही अगर कंक्लूड किया जाए पूरे इसमें, तो हर मतलब कुत्ते जो नाम दिया गया है एकदम सटीक नाम था, मतलब हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा था, लेकिन एट दी एंड, मतलब मैं अभी स्पॉइलर नहीं दूंगा, तो वही था कि सभी पैसे के पीछे भाग रहे थे और वो सही नहीं है, बस लालच से दूर ही रहना चाहिए। फिल्म के गानों की बात करें तो गाना कैसा है कि हम एक वन टाइम सॉन्ग सुन सकते हैं या फिर हम उसे पार्टियों में भी इंजॉय कर सकते हैं या कहीं, क्या कहना है उस पर? जी एक ठंटन जो गाना था जो कमीने में भी था, तो अभी पूरी फिल्म में वो तो दिखने को नहीं मिला, तो मुझे लगा था कि शायद फिल्म ख़त्म होने के बाद क्रेडिट्स में वो मतलब देखने को मिलेगा, लेकिन वो नहीं था, लेकिन गाना अच्छा था, लेकिन कंपेरेटिवली मुझे जो कमीने वाला सॉन्ग था वो कई ज़्यादा बेटर था ऐसा लग रहा है, मतलब उसकी कोरियोग्राफी वीडियो तो वो भी ज़्यादा अच्छा था। फिल्म को अगर रेटिंग की बात की जाए तो 5 में से आप कितना देंगे फिल्म को? 3। थैंक यू। तो रणवीर, एक मिनट, तो अर्जुन कपूर की फिल्म देखकर आ रहे हैं आप कुत्ते, क्या कहना चाहेंगे, कैसी लगी आपको फिल्म? फिल्म बढ़िया है, अर्जुन कपूर ने ऐसे रोल्स करने चाहिए और भी, अर्जुन कपूर एक अच्छा एक्टर है, बस उनको ऐसे ही कुछ स्क्रिप्ट्स की ज़रूरत थी शायद, जो उनको एक एक्टर एज अ एक्टर एस्टेब्लिश करें ना कि स्टार। अर्जुन कपूर के अलावा अगर बात की जाए तो फिल्म में और भी एक्टर्स हैं, तो उनमें से किसकी एक्टिंग आपको? ओके, फिल्म में और भी एक्टर्स हैं अर्जुन कपूर के अलावा, जैसे तब्बू जी हैं, नसरुद्दीन शाह हैं, तो किस एक्टर की एक्टिंग आपको अर्जुन कपूर के अलावा पसंद आई? सभी की एक्टिंग अच्छी है, राधिका मदान है, फिर शार्दुल है जो इबाब लेले ऊ में थे, और नसीर साहब है, और कुमुद मिश्रा है, बहुत अच्छा, सभी का काम अच्छा है, जो रिटर्न मटेरियल है उसको वो लोग ने पूरा जस्टिफाई किया है। आपको क्या लगता है ये फिल्म बड़े पर्दे पर कितने दिन तक चल पाएगी? देखिए, ये सब्जेक्ट ही ऐसा है कि आप बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं डिटरमाइन कर सकते इस पर से, तो मैं नहीं जानता हूँ कि कैसा ये फेयर करेगी बॉक्स ऑफिस पर या कितने दिन चलेगी, बस मैं इतना ही बोलूँगा। और बात करेंगे अगर फिल्म से कुछ सीख मिलने की, तो इस फिल्म से कोई सीख मिल रही है जो इंस्पायर करे लोगों को? देखिए, कुछ फिल्में एंटरटेनमेंट के लिए होती है, ये एंटरटेनमेंट के लिए है, हाँ फिर अगर आप अंडरलाइन जाकर देखोगे तो ग्रीड एक नेचर समझ में आता है, कहते हैं कि कुत्ता मतलब बहुत वफादार जानवर होता है, पर यहाँ पर वैसा कुछ भी नहीं है, मतलब वो लोग ने एक दूसरा पहलू भी दिखाया है कि लोग कैसे पैसों के पीछे सब कुत्ते हो जाते हैं या ऐसा कुछ। फिल्म को आप 5 में से कितना स्टार देना चाहेंगे? नहीं, मैं कोई नहीं हूँ स्टार देने के लिए, धन्यवाद। लेकिन आपने फिल्म देखा है तो भी आप कितना स्टार से? नहीं, स्टार ही देना है। थैंक यू सो मच। हेलो, अर्जुन कपूर की फिल्म देखकर आ रहे हैं आप कुत्ते, कैसी लगी आपको फिल्म? बहुत 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 ज़्यादा बढ़िया, आई थिंक अर्जुन कपूर की करियर का बेस्ट रोल है, पहले मुझे 1 मिलियन रिटर्न्स में वो बहुत पसंद आया और लोग उनको ट्रोल करते हैं, बट ही इज़ अनडेटेड बाय क्रिटिसिज्म, और एक बार फिर से उन्होंने अपनी छाप छोड़ दी, तो कहाँ 1 मिलियन रिटर्न्स में वो यहाँ थे, अभी वो यहाँ आ गए, मतलब मुझे लगता है कि गुलजार, विशाल भारद्वाज, टब्बू, कोंकणा सेन शर्मा, ये जहाँ भी एक साथ आ जाए तो कुछ करिश्मा होगा, और आज करिश्मा हो गया, मतलब 2023 की सबसे बेहतरीन मूवी, 2023 की बेस्ट मूवी, मतलब देख के 2 घंटे से भी कम की मूवी है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि टाइम कैसे बीत गया, यू विल बी अमेज्ड, यू विल बी ऑस्ट्रक, यू विल बी स्पीचलेस, आई थिंक इट वॉज जस्ट फैंटास्टिक एफर्ट, यू नो,
विशाल भारद्वाज जिन्होंने मकबूल वो सात खून माफ जो मैंने आई थिंक 10 बार से भी ज़्यादा देखी है, सात खून माफ, मकबूल, फिर ओमकारा, ऐसी बेहतरीन कमीने, ऐसी बेहतरीन कमीने के वाइब्स आ रहे थे मुझे, इतनी बेहतरीन मूवीज़ बनाई। अभी वो ये मूवी लेके आए उनके बेटे विशाल भारद्वाज जैसे रेनाउंड डायरेक्टर के बेटे आसमान भारद्वाज, लगता नहीं है कि उनका डायरेक्टर डेब्यू है। इतना फाइन डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी फरहाद डेलवी की बिल्कुल परफेक्ट, बहुत ही अच्छे से शूट किए गए हर एंगल से, बिल्कुल फ्लॉलेस, और एडिटिंग की क्रिस्प है, 2 घंटे से कम की मूवी है। म्यूज़िक विशाल भारद्वाज और रेखा भारद्वाज का, विशाल ददलानी का, बहुत ही बेहतरीन है। और मूवी में इतने ज़बरदस्त एक्शन सीन्स हैं रथलेस कि पुलिस ऑफिसर्स भी करप्ट हो सकते हैं, उनका करप्शन दिखाया लेकिन एंड में दिखाया कि बुरा ही होता है अगर आप बुरा करेंगे, तो सोशल मैसेज भी है। और गुलजार, जैसे मैंने कहा गुलजार, विशाल भारद्वाज, रेखा भारद्वाज, टब्बू, कोंकणा सेन शर्मा, ये सब जहाँ भी आ जाए तो एक करिश्मा होता है और वो करिश्मा आज हो गया। और कोंकणा सेन शर्मा का हालांकि मुझे लगता है कि थोड़ा और बड़ा रोल होना चाहिए था, बट नेवरदलेस जहाँ भी आई वो अपनी एक छाप छोड़ के चली गई। और आसमान भारद्वाज, जैसे मैंने कहा उनका डायरेक्शन बहुत अच्छा है, अर्जुन कपूर एंड टब्बू आर फैबुलस, जस्ट यू नो ब्रिलियंट इन द रोल्स एंड आई हैव नो वर्ड्स, मतलब टब्बू तो है ही बेहतरीन एक्ट्रेस, हालांकि दे आर हर्लिंग अब्यूजेस बट वो स्टोरी का पार्ट है, तो आई डिड नॉट फील कि वो डेरोगेटरी लगा, क्योंकि वो और बहुत ही फास्ट पेस्ड मूवी है, कहीं भी आप बोर नहीं होंगे, बहुत जल्दी जल्दी इतना कुछ हो जाएगा और आपको सोचने पर मजबूर करता कि ओ माई गॉड, मतलब पुलिस ऑफिसर्स ही करप्ट है तो बाकी जो गैंगस्टर्स हैं उनका क्या। तो यही है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई मूवी और मुझे लगता है कि ये अर्जुन कपूर के करियर को एक अलग लेवल पे लेके जाएगी, क्योंकि अर्जुन कपूर इज़ जस्ट माइंड ब्लोइंग, मतलब इतना इंटेंस रोल उनकी आंखों में वो दिखता है। और टब्बू तो शी इज़ एफर्टलेस, चांदनी बार में नेशनल अवार्ड मिला है उन्हें, माचिस मूवी देख लीजिए, नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस है वो, मकबूल में देख लीजिए, अंधाधुन में देख लीजिए, कोई भी मूवी में देख लीजिए, वो अपनी अभी दृश्यम 2 में, ये एक्ट्रेस है कि करिश्मा है मुझे ये नहीं पता, भूल भुलैया 2 में भी थी, मतलब वो लकी मैस्कुट साबित होती है जिस भी मूवी में वो आ जाती हैं। तो आई एम जस्ट स्पेल बाउंड, मेरे पास शब्द नहीं है, इट मे बी फर्निश ऑडियंस बट मासेस भी एंटरटेन कर रहे थे, सीटियाँ तालियाँ बज रही थी, तो आई थिंक एवरीबडी विल एंजॉय, डोंट मिस दिस मूवी, स्ट्रांगली रिकमेंडेड। ओके, इफ वी टॉक अबाउट मूवी का टाइटल, सो मूवी का टाइटल ही कुत्ते है, तो ऐसा क्या है कि फिल्म का नाम कुत्ते रखा गया है? सी कुत्ते यही है कि ये दिखाया गया है कि डॉग्स बार्क, तो ये उनके ऊपर नहीं है, मतलब ये दिखाया गया है कि इंसान किसी भी लेवल तक गिर सकता है, तो इंसान और जानवर में कोई फ़र्क नहीं है, पुलिस ऑफिसर्स जैसे मैंने कहा अगर करप्ट हैं तो बाकी लोगों का क्या, तो वही दिखाया है उनकी प्लानिंग प्लॉटिंग, उनकी ट्विस्ट और टर्न्स है स्टोरी में, और इन द एंड जब नोटबंदी हो जाती है, आई डोंट वॉन्ट टू रिवील द स्टोरी, तो जो भी उन्होंने इतने मार धाड़ की, इतने लोगों को मारा, मर्डर्स किए, वो फिर एक मोमेंट में सब कुछ चेंज हो जाता है, तो वही ये दिखाया है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि बुराई का नतीजा बुराई होती है। तो विशाल भारद्वाज हो या आसमान भारद्वाज हो, ये कोई सोशल मैसेज इनकी मूवी में होता है बहुत स्ट्रॉन्ग, अगर लोग समझे तो ये मूवी में भी है। और ये कुत्ते जो इसका टाइटल है, आप मतलब आप बिल्कुल लास्ट में आपको लगेगा मूवी क्यों खत्म हो गई, यू लूज ट्रैक ऑफ टाइम, क्योंकि 2 घंटे से भी कम की मूवी है, यू लूज ट्रैक ऑफ टाइम एंड यू विल बी लाइक ओ माय गॉड मूवी खत्म हो गई 1 आवर 50 मिनट्स। तो हर चीज़ में मुझे लगता है कि परफेक्ट है, परफेक्ट म्यूजिक, परफेक्ट डायलॉग्स, परफेक्ट स्टोरी, परफेक्ट स्क्रिप्ट, हर चीज़ में परफेक्ट, लोग कुछ भी बोले, मूवी चले ना चले, बट आसमान भारद्वाज 1 डायरेक्टर बन गए इस साल के, और अर्जुन की बेस्ट रोल ऑफ हिज करियर, और टब्बू एज यूजुअल शी इज़ फैबुलस। अगर आपको मूवी को रेट करने को कहा जाए तो आप 5 में से कितना देंगे? मैं सिर्फ 0.5 बिकॉज़ देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, बट आई विल गिव 4.5, दैट डजंट मीन मूवी इज परफेक्ट इन ऑल एस्पेक्ट्स, बट मैंने जस्ट 4.5, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, बट 4.5 डेफिनेटली। बट अगर आप पूछे अर्जुन कपूर 100 स्टार्स, टब्बू 100 स्टार्स, बिकॉज आई वॉज अमेज्ड, मतलब एक डायरेक्टर का विजन देखिए आप, इतना यंग डायरेक्टर, उसका डायरेक्टर डेब्यू, और किस तरह से उन्होंने एक्टर से काम करवाया, और वो एक्टर्स ने कैसे इतने बेमिसाल रोल्स किए, मतलब इतने वेल एच्ड और इंटेंस रोल्स हैं सबके, कि इतने रथलेस कैरेक्टर्स हैं, तो यू विल बी अमेज्ड कि डायरेक्टर का विजन देखिए आप। मूवी का कोई ऐसा सीन बताइए जिसे देखकर, मतलब आपको सुनकर लोग और एक्साइटेड हो जाए मूवी देखने के लिए। वही जो मार धाड़ वाले एक्शन वाले सीन्स हैं, यू विल बी लाइक एट द एज ऑफ योर सीट कि यू नो मतलब ये सब क्या चल रहा है, मतलब आपको इतना डर लगेगा देख के सब कुछ कि ये सब क्या चल रहा है, पीपल वे इंजॉइंग इट लिटरली, वो डेरोगेटरी अब्यूजिव डायलॉग्स पे भी तालियां बज रही थी, सीटियां बज रही थी, तो पीपल टर्नड अप एंड दे वे इंजॉइंग, यंगस्टर्स हो या कोई भी हो, तो थोड़ी मतलब आपको धीरे धीरे लगेगा कि यू नो स्टोरी समझनी मुश्किल लग सकती है, बट फर्स्ट हाफ हो या सेकेंड हाफ हो, इट गोज़ टू अनदर लेवल। तो वही है मूवी में, मतलब सेकेंड हाफ आते आते जब क्लाइमेक्स आएगा, इट विल मेक यू थिंक कि क्या है ये, मतलब
मतलब क्या देख लिया आपने, मतलब एज यूजुअल विशाल भारद्वाज का जो एक सिग्नेचर डायरेक्शन है, एक सिग्नेचर मार्क है, वो उनकी बेटी ने भी साबित कर दिया कि वो भी कितने बेमिसाल अपने फादर, उनके जीन्स हैं, उनका ही फ्लैश एंड ब्लड है। तो रेखा भारद्वाज और विशाल भारद्वाज के सुपुत्र को मैं बधाई देना चाहूँगा क्योंकि मुझे मूवी बहुत पसंद आई। थैंक यू सो मच। सो सर, आप अर्जुन कपूर की फिल्म कुत्ते देखकर आ रहे, क्या कहना? बिल्कुल, अभी देखकर आया हूँ, बढ़िया मूवी है, अच्छी मूवी है, एक्शन से भरपूर। एक्शन के बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का एक्शन? तो एक नंबर है, मेरे मतलब का एक्शन फिल्में मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, वो मुझे फिल्में बहुत अच्छी लगती हैं जिनमें ध्यान होता है। फिल्म में और भी एक्टर्स हैं, तब्बू जी हैं, नसरुद्दीन शाह हैं, और भी कौन कौन सेन है, मतलब क्या कहना चाहेंगे? सब मंजे में कलाकार हैं, सबने बड़े डायरेक्टर साहब ने जिसको जितना काम दिया उन्होंने उतना काम किया, और जितना भी काम दिया सबने बढ़िया ही काम किया। जी, जैसे कि आप खुद थिएटर में एक्सपीरियंस करके आ रहे हैं एक्शन सीन्स, तो कोई ऐसा सीन बता सकते हैं आप एक्शन के जो बैठने के बाद पूरे शरीर में गिनगिनाहट सी आ गई हो? पूरी फिल्म के अंदर गोलीबारी है, कितने आदमी में गोली लग रही है, मतलब थर्रा जाता है आदमी, मैं थर्रा गया, इतनी गोलीबारी चल रही, इतने आदमी में गोली लग रही, किसी के माथे में लग रही, मैं गया, मेरा तो गोली नहीं लगी, मतलब इतनी घबराहट हो रही, किसी के बॉडी में गोली लग रही है, मतलब कान फट के गोली की आवाज़ सुन सुन के मजा आ गया था बिल्कुल। तब्बू जी के बारे में अगर बात करें तो तब्बू जी तो एक मंजीवी एक्टर हैं, उनके बारे में कोई कहना बोलना ही नहीं कि वो, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने तो बढ़िया काम करती ही हैं, उनकी क्या तारीफ करूँ। फिल्म में उनका मतलब किस तरह का किरदार है, मतलब कुछ आप अगर बताना चाहें? एक पुलिस वाली दिखाई है उनको, हाँ जी, और करप्शन के ऊपर पिक्चर दिखाई है, पुलिस वाले भी करप्ट होते हैं। जी, जैसे कि फिल्म का टाइटल ही है कुत्ते, तो ऐसा क्या है फिल्म में जो कुत्ते रखना पड़ा? मेरे ख्याल से कुत्ते पुलिस वालों को बोला दिखा उन्होंने, कुत्ते ये कुत्ते लोग हैं ऐसा बोला दिखा उन लोगों ने। जी, जैसे कि बात करेंगे फिल्म में गाने भी काफ़ी हैं, तो गाना तो आप खुद एक्सपीरियंस? वो ऐसे जैसे कि जैसे माहौल में आजकल के गाने लड़कों को पसंद है ना, ऐसे माहौल में आइटम सॉन्ग हैं। जी, और कोंकणा सेन की बात करेंगे तो फिल्म में उनका ज़्यादा सीन नहीं दिखाया गया है, लेकिन जितना भी दिखाया गया उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ज़बरदस्त काम दिया का दिखाया गया उनको। जी, थोड़ा भी है लेकिन ज़बरदस्त है, आदमी मतलब इतना सारा काम करे और उसकी कोई वैल्यू ना हो, इतना सा करते उसकी वैल्यू तो वो इम्पोर्टेंस होता है। ओवरऑल अगर फिल्म की बात की जाए तो फिल्म से क्या कुछ सीख मिलती है इंसान को? सीख को क्या, मतलब फिल्म एक मनोरंजन की तरह से देख लो आप कि भाई चलो फिल्म को कुत्ते लगे वो देख लो, मनोरंजन हो जाएगा, सीखने कुछ मिलना नहीं, मतलब आदमी को बुराई की ओर नहीं जाना चाहिए, बुरे का एंड बुराई है, सब गोली से मरे ना, जितने भी बुरे आदमी थे सब गोली से मरे, पुलिस वाले थे चाहे वो क्रिमिनल थे चाहे वो स्मगलर थे गांजे के, सब गोली से मरे, आदमी को सच्चे स्वभाव में रहना चाहिए, साधारण बनाना चाहिए, ये है। जी, जैसे कि हर फिल्म में मारधाड़ तो दिखाया ही जाता है, तो इस फिल्म का मारधाड़ कितना अलग है? इस फिल्म में जो है ना मारधाड़ कुछ अलग हटके ही है, मारधाड़ कैसी पानी किस टेस्ट से किस कैसे कंपोज की से मारधाड़, बढ़िया लगी मारधाड़ बहुत। हाँ, मतलब जैसे इनके दिल पे इधर गोली मारनी ना, फिर इधर धा, फिर तीन पेट में धा धा धा, फिर नीचे आदमी गिरा चुपके से मुंह उठा धा, फोड़ कर रख दूंगा, मजा आ गया देखने में। बात करेंगे दिग्गज अभिनेता नसरुद्दीन शाह की, तो उनके बारे में क्या कहना आपका? उनके बारे में क्या कहूँ, वो तो इतने बड़े कलाकार हैं, मतलब क्या बताऊँ उनका, मतलब थोड़ा सा ही काम है लेकिन जो भी है सॉलिड काम है, उनके बोलने की जो शैली है ना कयामत है। जी, अगर आपको फिल्म को रेटिंग देना अगर मिले आपको मौका, तो आप कितना देंगे, 5 में से कितना देना चाहेंगे? 5 में से 5 दूंगा, मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगी। थैंक यू सो मच। ओके ओके मैम।